नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आज क्रिमिनल्स में डकैती की लाइव तस्वीर आपको दिखाएंगे और उसी रात एक और गैंग के जुर्म की दास्तां भी। किस घर में 7 दिन तक लाश को छुपाया गया, जिस घर में हत्यारे भी सोते रहे, इस वारदात के खुलासे के साथ ही दिखाएंगे बेइज्जती का बदलापुर। प्रेमी की मोबाइल हिस्ट्री महबूबा के कत्ल की बनी गवाह, ये राज भी खुलेगा और होगा प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। इंदौर में आईओसी के डिपो मैनेजर के घर हुई डकैती की वारदात में गिरोह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। ठीक उसी रात को इंदौर में ही एक और गैंग बैंक एजेंट के घर को निशाना बनाने जा रही थी। इस इलाके की बात करें तो थोड़ा अलग था। आप भी देखिए सीसीटीवी में कैद वारदात की होश उड़ा देने वाली तस्वीर। एक रात दो वारदात, तीसरी आंख दे पहरा। सीसीटीवी में कैद गिरोह का राज। गैंग मचाए शोर, पुलिस वाले हैं कहां? नकाबपोश बदमाश लाइव। मिनी मुंबई में क्यों बेखौफ बदमाश? एक रात दो थाना इलाका और शहर एक ही, इंदौर मिनी मुंबई में डकैती की इस लाइव तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया था। अब इस तारीख पर गौर करिए, 23 फरवरी इंदौर के बाणगंगा थाना इलाके में आईयूसी के डिपो मैनेजर पुष्पेंद्र मित्तल के घर बदमाशों ने धावा बोला था। बेडरूम में दहशत की ये लाइव तस्वीर होश उड़ाने वाली थी। उसके बाद ये नकाबपोश बदमाश फरियादी पुष्पेंद्र मित्तल की कार चोरी करके कॉलोनी के गेट से भाग गए थे। अब तक इस गिरोह का पुलिस के हाथ सुराग नहीं लगा है। बदमाश रूट बदल रहे हैं, पुलिस की कई टीम तफ्तीश कर रही है। अब जरा इस सीसीटीवी पर गौर फरमाइए, तारीख पर फिर से गौर करिए। 23 फरवरी रात का वक्त है, यानी तारीख एक ही है, बस इलाका अलग है, गिरोह अलग है, थाना भी अलग, लेकिन तस्वीर इंदौर शहर की है। एक ही रात में दो थाना इलाके में कैसे बदमाश गैंग पुलिस को चुनौती दे रहे हैं? नकाबपोश बदमाश हथियार लेकर, देखिए ऐसे एंट्री की। इस गिरोह के निशाने पर था बैंक एजेंट का घर। इंदौर के बाईपास से लगी पॉश कॉलोनी में ऐसे बेखौफ होकर घूम रही थी ये गैंग। इंदौर के कनाड़िया थाना इलाके का ये मामला है। जो लोग हैं, जो संदिग्ध लोग हैं, वो वहां पर एक घर में भी घुसते हुए दिखाई दिए, लेकिन घर में कोई उनके द्वारा वारदात नहीं की गई है। फिलहाल उनको सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाइड किया जा रहा है। आइडेंटिफाइड करने के बाद वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की। बस इस क्राइम सीन पर फर्क इतना था कि इस गिरोह ने इस घर के आंगन में एंट्री की, लेकिन अंदर तक पहुंच नहीं पाया। सेंसर लॉक होने की वजह से बदमाश घर में घुस नहीं पाए। कनाड़िया में एक सीसीटीवी वायरल हुआ है, जो कनाड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें कि एक एफआईआर रजिस्टर की गई है, जिसमें एक जो गाड़ी खड़ी हुई थी उसका कांच तोड़कर और उसमें से एक बैग ले लिया गया, जिसमें 60,000 रुपए थे। फिर से ये दोनों तस्वीर देखिए, जो सवाल कर रही है, गैंग मचाए शोर, पुलिस वाले है कहां? पुलिस लगातार काम कर रही है और लगातार गैंगों को पकड़ भी रही है। एक कनाड़िया की जो घटना है वो भी इंटरेस्ट है और एक जो बाणगंगा की घटना है वो इंटरेस्ट है। दोनों पर ही लगे हुए हैं, बहुत ही जल्दी सफलता मिलेगी। ये सब टाइम पीरियड होता है, कई बार ऐसा होता है कि घटनाएं अपन कड़ी मेहनत के बाद भी नहीं मिल पाती है और कई बार बहुत जल्दी मिल जाती है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, हम लगे हुए हैं और जल्दी ही पर्दाफाश करें। क्यों इंदौर में खाकी का बदमाशों में खौफ नहीं? आखिर किस ग्रोह का है ये काम? इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18,
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शायद ही किसी कत्ल का खुलासा ऐसा होगा, जिस घर में कत्ल हुआ उसी घर में करीब 7 दिन तक लाश को छुपाया गया और उसी घर में हत्यारे सोते भी रहे। 7 दिन बाद लाश को कहीं और फेंका गया। जली लाश जिस साड़ी में बंधी थी उसी साड़ी ने दिया कातिलों का सुराग। आखिर वो लाश किसकी थी? जली लाश के साथ वो 7 दिन। सात दिन घर में लाश, उसी घर में हत्यारे, साड़ियों में लिपटी लाश, साड़ी ने दिया कत्ल का सुराग। चोर चोर का शोर और वो हुआ खामोश। इस गांव के लोग हैरत में हैं। यहाँ एक ऐसा राज सफल था जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी थी। यहाँ एक लाश मिली जली हालत में ट्रांसफॉर्मर के नीचे, जिस लाश पर साड़ी लिपटी हुई थी, जिसे लाश को जलाने के बाद साड़ी डाली गई हो। दूसरा ये कि साइकिल भी पड़ी हुई थी। लाश ट्रांसफॉर्मर के नीचे मिली थी, लेकिन ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि इस लाश के साथ हत्यारे 7 दिन तक उसी घर में रहे जिस घर में कत्ल हुआ और लाश को छुपाया गया। और 7 दिन बाद जब बदबू आने लगी तो लाश को यहाँ लाकर फेंक दिया गया। हत्या हो गई तो फिर इन लोगों ने घर में ही उसकी लाश रखी। 3-4 दिन बाद जब लाश सड़ने लगी, बदबू आने लगी, तो इनका कहना था कि हमारे पास जो साइकिल रखी हुई थी और उस पर हमने रखा और साड़ियाँ अपने घर से नी, कंबल लिया, उस पर लपेटा और हमने करीब वहाँ से आधा किलोमीटर दूर रामाधार पंडित जी के खेत में उस डेड बॉडी को फेंका। मऊगंज के शाहपुर थाना इलाके के ब्रह्मागढ़ में ये सनसनीखेज वारदात हुई। आखिर मरने वाला कौन था? जिस शख्स की हत्या हुई उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज थी। गुमशुदा शख्स है संतोष। इस हत्याकांड में पुलिस के पास अहम सुराग था। वो सुराग था साड़ी और साइकिल। साइकिल आरोपी की थी। इस मामले में कोटवानी के मोहित साकेत से पूछताछ हुई तो कत्ल का ये राज खुला। अलग घटना से दिखाई दे रहा था कि किसी ने साइकिल पे लाश को रखकर और उनके कपड़े अलग से रखकर वहाँ पे जलाए गए हैं और कहीं और घटना कारित की गई है। हत्या करके इन्होंने जो साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया उसका पूरा पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है, मोहित साकेत, मुकेश साकेत, धर्मेंद्र साकेत और रंजीत साकेत। वारदात वाले दिन मोहित अपने साथियों के साथ जुआ खेल रहा था, तभी उसकी भाभी की आवाज आई। भाभी ने चोर चोर का शोर मचाया। पुलिस की माने तो संतोष चोरी के इरादे से घर में दाखिल हुआ था। मोहित भाभी की आवाज सुनकर घर आया, अपने साथियों के साथ मिलकर संतोष की हत्या की, लाश को जलाया और उसके बाद 7 दिन तक लाश रखी रही। वहां पर अचानक चोरी की नियत से ये मृतक संतोष कोल घुसा और वहां पे उन्होंने एकदम हल्ला मचा और वहां पर इन चारों ने मृतक संतोष कोल को पकड़ लिया, उसके साथ मारपीट की और उसकी हत्या कर दी। कत्ल और कत्ल का ये खुलासा दोनों हैरान करने वाला है। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर जो एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग निकला, वारदात का खुलासा होश उड़ा देगा। इस हत्याकांड में 5 लाख की सुपारी दी गई थी, कत्ल से पहले 10,000 का एडवांस। मास्टरमाइंड का फरमान था, तुम काम तमाम कर दो, बाकी मैं देख लूंगा। सुपारी किलिंग की साजिश के पीछे की आखिर वजह क्या है? प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। एक बीघा जमीन मेरे नाम कर दो।
5 लाख की सुपारी, मास्टरमाइंड बेनकाब। मंदिर परिसर में ठाए ठाए मास्टरमाइंड बेनकाब, ऐसे बना कत्ल का प्लान। तारीख 15 फरवरी, जिस तारीख को किसी की मौत पर मोहर लगनी थी, जिस शख्स का कत्ल होना था उसकी सुपारी दी गई थी, 5 लाख में सौदा हुआ था और मास्टरमाइंड ने सुपारी किलर को यह भी कहा था कि तुम कत्ल कर दो, बाकी मैं देख लूंगा, जमानत भी करवाऊंगा, घर का खर्चा भी उठाऊंगा। 15 फरवरी को सांची थाना इलाके में प्रॉपर्टी डीलर प्रहलाद राजपूत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात का वक्त और जगह दोनों पहले से ही मुकर्रर थी। मंदिर परिसर में ठाए ठाए की आवाज सुनाई दी। इस गोली का शिकार बना प्रॉपर्टी डीलर प्रहलाद राजपूत। इसमें 2 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किए गए थे और जिनको पुलिस रिमांड पर लेकर जब हमारी टीम के द्वारा विस्तृत पूछताछ की गई तो इसमें कुछ नया मोड़ इसमें आया और इसमें एक और आरोपी जो जिसकी उसमें अपराध में सहभागिता रही है उसको भी पूछताछ करके फिर उसको अरेस्ट किया गया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपी शुभम उर्फ गोलू तिवारी, लेन देन और जमीन विवाद की कहानी सामने आई थी, लेकिन असल कहानी का सामने आना बाकी था। आरोपी शुभम ने जो खुलासा किया वो होश उड़ाने वाला है। इस मर्डर में कैद है सुपारी किलिंग और मास्टरमाइंड निकला विदिशा का सराफा कारोबारी अंकेश अग्रवाल, जिसने अपने कर्मचारी शुभम तिवारी को प्रहलाद राजपूत की हत्या की सुपारी दी थी। कुछ मैटर जो था वो पूर्व आरोपी जो था गोलू तिवारी उसका भी था और उसके साथ ही साथ जो मेन प्रॉपर्टी डीलर था अंकेश अग्रवाल, अंकेश अग्रवाल के द्वारा ही दोनों के द्वारा मिलके ये साजिश रची गई। सवाल है क्यों? तो इस कहानी में कैद है 5 बीघा जमीन का सौदा। 5 बीघा जमीन का सौदा प्रहलाद ने कराया था। अंकेश अग्रवाल ने जमीन ली थी। 1 बीघा जमीन की रजिस्ट्री तो हो गई, लेकिन 4 बीघा जमीन की रजिस्ट्री होना बाकी था। अब प्रहलाद ने इस 4 बीघा जमीन में से 1 बीघा जमीन की डिमांड की और एक प्लॉट भी। अंकेश अग्रवाल ने प्लॉट तो दिया, उसके बाद भी जमीन की डिमांड जारी थी। 5 बीघा जमीन का सौदा था और उसमें रजिस्ट्री होना था और कुछ प्लाट की जो बात थी 3500 स्क्वायर फीट देने की बात हुई थी, तो उसमें से 3500 स्क्वायर फीट दे दिया था और शेष जो मालिक है उससे रजिस्ट्री अंकेश अग्रवाल की जानी थी और उसमें मुख्य भूमिका जो है वो मृतक की रही, तो प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए तो उसमें फिर आपस में कुछ विवाद का उसमें स्वरूप ले लिया। जमीन के इसी विवाद में सुपारी किलिंग का प्लॉट बना। रायसेन से दिनेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।